नमस्कार दोस्तों, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। करीब करीब 2 घंटे पहले पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर सभी राज्यों से रुझान आ रहे हैं। नतीजे 4 से 5 घंटे बाद आएंगे, लेकिन रुझानों के जो संकेत हैं, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में एग्जिट पोल ने जो प्रेडिक्ट किए थे, बीजेपी की वापसी, अखिलेश यादव की शिकस्त, अब तक के रुझान इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जितने भी चैनल्स आप घर पर देख रहे होंगे, सभी चैनल्स पर करीब करीब 200 से ज्यादा सीटें अब तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे दिख रही है। अखिलेश यादव 100, 110, 115 सीटों पर, 403 सीटों वाली असेंबली में 325 सीटों से ज्यादा सीटों का रुझान आ रहा। हालांकि मैं बार बार कहूंगा, ये बहुत शुरुआती रुझान है। शुरू में तो गिनती जो होती है वो उस मतपत्र की होती है जो पोस्टल बैलेट होता है, और चैनल में मैं काम कर चुका हूं, मुझे अंदाजा है कि 1-1.25 घंटे तक रुझान कैसे बनते हैं, और बैकएंड पर उस रुझान को एक दूसरे चैनल को देखकर भी रुझान के नंबर बढ़ाए घटाए जाते हैं। लेकिन चूंकि अब 2 घंटे हो गए, तो कुछ तस्वीर अगले 1 घंटे में साफ होगी कि यूपी में क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो एक बात साफ दिख रही है कि यूपी में एक बार फिर योगी की वापसी की संभावना ज्यादा है। इसको इस तरह से देखें कि 403 में अगर 325 से ज्यादा सीटों के रुझान में 200 से ज्यादा सीटें, 225 सीटें, 235 सीटें कुछ चैनल बता रहे हैं, तो वहां से बीजेपी की इतनी वापसी हो जाए और समाजवादी पार्टी अगर 100 सीट 110 सीट दिख रही है, उनकी इतनी बढ़त हो जाए कि वो 200 का आंकड़ा पार करें, क्योंकि 403 की असेंबली में 202 पर बहुमत होता है। ये अभी देखना होगा कि क्या ये मुमकिन है, लेकिन अभी के रुझान से दिशा वही है जो एग्जिट पोल की। हमारे साथ कई मेहमान हैं जिन्हें आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार आप देखते भी रहे होंगे। प्रदीप श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीरात्मज मिश्रा हैं जिनका अपना YouTube प्लेटफॉर्म है लेकिन यूपी के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट्स की है। रियाज हाशमी साहब हैं, सहारनपुर से हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, 30 सालों से पश्चिम यूपी की राजनीति को समझते रहे। सुनील शुक्ला साहब हैं, प्रयागराज से हैं, और कुर्बान अली साहब हैं, बीबीसी के वरिष्ठ संवाददाता, पत्रकार, रिपोर्टर, और कई संस्थानों में ऊंचे होदों पर रविवार से लेकर अलग अलग संस्थानों में रह चुके हैं। यूपी की राजनीति को 35 सालों से कुर्बान अली साहब भी जानते हैं। समीरात्मज मिश्र का परिचय करा चुका। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो यूपी आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन मैं खास तौर से उनसे बात करना अच्छा लगता है जब जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर से उसमें ओबीसी और पिछड़ी जातियां या दलित बिरादरी में क्या कुछ हो रहा है चुनाव को लेकर। लक्ष्मण जी, जितना जातीय मैं अगर इसी को ट्रेंड देखूं, मैं बार बार जो अभी कुर्बान जी ने कहा मैं भी सहमत हूं, वो दिशा एक दिख रही है, वो दिशा बदल के उल्टी दिशा में उल्टी गंगा बहेगी इस दिशा के हिसाब से, मुझे इसमें संदेह हो जाए तो चलिए कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मुझे अभी दिशा ये दिख रही है। अब आते हैं लक्ष्मण जी, जितने जातीय समीकरण साधने की कोशिशें हुई, जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का आना हो, चाहे धर्म सिंह सैनी का आना हो, चाहे दारा सिंह चौहान का आना हो, चाहे राम अचल राजभर और लालजी वर्मा का आना हो बीएसपी से अंबेडकर नगर, उन दोनों इलाकों में भी गया, मेरी दिलचस्पी है कि वहां क्या होने वाला है और क्या रुझान आ रहा है वो पता चलेगा, बताऊंगा। तो इसका मतलब बीजेपी ने अगर साध लिया 225 से ज्यादा, हम अभी 225 का लोअर मार्क पकड़ते हैं, तो ये क्या लगता है और क्यों लगता है? देखिए अजीत जी, यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि जहां से कुर्बान साहब ने बात शुरू की थी मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। हम लोग वो लोग रहे जिन्होंने दूर से इस पूरे चुनाव को देखने की कोशिश की, और जो समीकरण पिछली बार बीजेपी ने बनाए थे, क्योंकि समाज में, राजनीति में चीजें बहुत तेजी से तो नहीं बदलती है। 5 साल पहले जो समीकरण बने थे उसका लाभ बीजेपी को हुआ था, और सब लोग ये मान रहे थे कि ओबीसी, दलित, जितनी भी जातियां हैं इनमें से बहुत बड़ा तबका बीजेपी की तरफ गया था, उसकी अलग अलग वजहें थी। लेकिन 5 साल में जो कुछ बीजेपी से हासिल हुआ था, जो कुछ भी इस जनता के सामने था और जो नाराजगी दिख भी रही थी, और उसके बाद जो गठजोड़ बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की, इन सब के बिना पर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये दिशा उस तरफ जा रही है जहां वो बीजेपी वाली रणनीति से उन्हें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि हमें ये कतई नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर वोट शेयर ले आ रही है। अगर ये सारी लाभार्थी समूह की बहस के पैरेलल अगर नुकसानार्थी समूहों की बात करें तो वो तादाद में ज्यादा था,
मगर अब अगर ये परिणाम ऐसे दिशा में जाते हैं, परिणाम अगर यही होने वाले, कमोबेश यही होने वाले, यह भी तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, अगर परिणाम कमोबेश यही होने वाले हैं, तो मैंने जो पिछली बार बात कही थी वही दोहराता हूं कि अगर इतने के बावजूद विद्यार्थियों, नौजवानों के शिक्षा रोजगार की बात हो, किसानी की बात हो, या दलित पिछड़ी जातियों के ऊपर जातीय दमन की बात हो, इन सबके बावजूद अगर बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो उसकी केवल और केवल एक ही वजह है, जहां कुर्बान साहब से मैं सहमत हूं कि सांप्रदायिकता को, धार्मिक सवालों को, धार्मिक वर्चस्व की राजनीति को बहुत गहरे बैठा कर दिया गया है। और सच बात यह है कि 2022 का परिणाम अगर इसी दिशा में जाता है, भाई अगर इसको डिकोड करेंगे तो जातीय दमन से ज्यादा महत्वपूर्ण लाभार्थी समूह बन गया, इसका मतलब जिन्हें अनाज मिला, जिन्हें पैसा मिला, वो लोग अपने जातीय अस्मिताओं के ऊपर उठ करके इन सवालों पर सोचें। तो पुनर्विचार तो पॉलिटिकल पार्टियां कितना करेंगी ये नहीं पता, लेकिन हम जैसे लोगों को भी ये करना पड़ेगा कि राजनीति किस दिशा में बदल रही है, और ये बहुत खतरनाक है। इसमें इस बात को स्वीकार करने में कोई लाग लपेट नहीं है कि हम वह लहर, हम ही नहीं बहुत ज्यादा तादाद में लोग थे जो बीजेपी को 250 सीटें अगर औसत मान लें, इतनी सीटें आ रही हैं तो बीजेपी के लोगों को भी नहीं लग रहा था। लक्ष्मण जी आपके पास आते हैं, जैसे जो जिक्र है अभी प्रदीप जी ने भी किया, और उसके बाद मैं कुछ वीडियो आगे दिखाऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि अगर ये फैक्टर काम किया तो क्या किया, लेकिन इसके साथ कि ये 250 से ऊपर 270-265 का आकलन किसी का नहीं था, ये सच है कि बीजेपी के नेताओं का भी नहीं था। मैं आज कह सकता हूं कि बीजेपी के 2-3 शीर्ष नेता या कहीं न कहीं बहुत पावर सेंटर में रहे लोग, जिन्हें लगता था कि मैं भी फील्ड में बहुत घूम रहा हूं, कहीं से जानने की कोशिश की कि क्या लगता है। मैंने भी उनसे पता पूछने की कोशिश की कि आपके हिसाब से क्या लगता है, जो बीच में लोग मुझे कॉल कर रहे थे, उन लोगों का भी आकलन था कि बहुत कुछ होगा, हम 220 पहुंच जाएंगे, उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट है अगर 260 से ऊपर जाता है। लेकिन जो जिक्र अभी पश्चिम यूपी का लक्ष्मण जी करते हैं, अगर पश्चिम यूपी में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन, माफ करें, वेबसाइट देख रहा हूं, 383 सीटों का रुझान इलेक्शन कमीशन की गाइड, माफ करें, वेबसाइट में आ चुका है, 403 में से, जिसमें 107 पर सपा है, सिर्फ 7 पर आरएलडी है, बड़ा सिग्निफिकेंट है कि सिर्फ 7 पर आरएलडी है, बीजेपी 241, अपना दल 200, अपना दल 9 और बीएसपी 4, 7 पर आरएलडी, 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ी। पश्चिम यूपी के कई इलाके मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन किए, दोनों जोड़ देते, दोनों वोट दे देंगे तो 40% ऐसे ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये सारे फैक्टर धराशायी हो गए, तो क्या वजह लगती है, क्या ऐसा हुआ कि जाटों में भी जबरदस्त वोटों का बंटवारा हुआ, बोल कुछ और रहे थे दिया कुछ और, या जो वोकल जाट थे एंटी बीजेपी वो तो कैमरे पर बोल रहे थे लेकिन जो बीजेपी के थे वो बोल नहीं रहे थे, या जाट पुरुषों ने ज्यादा दिया वोट खिलाफ लेकिन महिलाएं चुपके से जाकर वोट दे आई कमल के फूल को, चाहे उसकी वजह सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जो भी हो, क्या लगता है लक्ष्मण जी? देखिए अजीत जी, जो परिणाम अभी तक आते हुए दिख रहे हैं, जिस दिशा में दिख रहे हैं, वो तो कमोबेश इसी दिशा में जा रहे हैं कि बीजेपी फिर से सरकार बना रही है, फिलहाल यही लग रहा है। अब इसका विश्लेषण हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास कोई बहुत वैज्ञानिक जमीन नहीं है जिस पर हम बिल्कुल नेक टू नेक क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं किसके विश्लेषण को करें। अब लेकिन मैं इसके दो पहलू देखता हूं। अब अगर मैं ये बात पूछ रहा हूं इस समय, ये खुद से भी पूछ रहा हूं और जो भी चुनावी विश्लेषक रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वो भी सवाल करेंगे, जो मुद्दे बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए प्रोजेक्ट किए वो मुद्दे क्या थे, और दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने किन मुद्दों की बिसात पर अपनी तरफ वोट शेयर लाने की कोशिश की। अब जैसे पश्चिम से ही शुरू करते हैं अजीत जी, पश्चिम में अगर बीजेपी को भी ये लग रहा था कि हमारा बहुत नकारात्मक माहौल बना हुआ है, नवंबर में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं 13 महीने के बाद, इसके बाद जाटों को बुलाए जाने की कोशिश, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, इस पर सब लोग जानते हैं क्या क्या हुआ, उसके बावजूद अगर बीजेपी की तरफ वोट गया है, अगर बीजेपी उस पश्चिम के लगभग 100 सीटों को मान ले और 100 में से 60-70 सीटें भी जीत रही, 80 सीटें अभी तो जो दिख रहा है उसमें तो 80 के ऊपर जा रहा होगा आंकड़ा, 80% सीटें, इसके दो वजह हो सकती है, या तो
जो विपक्षी दल हैं वो भरोसा जीतने में नाकामयाब हुए हैं, जो बीजेपी से नाराज वोटर के दिल को जीतना था। एक तो विश्लेषण इसका ये होगा। दूसरा विश्लेषण बिल्कुल उस जमीन पर जाएगा कि आप अगर बीजेपी को सारे सरोकारी मुद्दों के इतर जाकर बहुत पसंद कर रहे हैं तो उसकी कोर में सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है, ये मेरा सवाल है। बाकी तो आप भाई देखिए, अब इसका आप सहमत असहमत हो सकते हैं, मेरा एक सवाल है कि आप राष्ट्रीय लोक दल से, भारत ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से आप अगर नाराज हो रहे हैं, जिन्हें जिन्होंने ये दावा किया कि हम आपकी पहचान की सुनिश्चितता करेंगे, हम आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम आपके हक की बात करते हैं, उनसे आप नाराज हैं क्योंकि उन्होंने गलतियां की, यही विश्लेषण होगा, उनकी छवियां खराब बनाई गई, लेकिन इससे आप नाराज होकर अगर बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, आप एंटी बीजेपी भी वोट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोर में कौन सी चीज उनको उनको आकर्षित कर रही है। हम माने ना माने वो हिंदुत्व का फैक्टर है। दूसरा विश्लेषण ये हो सकता है, अब देखिए अभी हमारे पूर्व कार्यकर्ता ने बिल्कुल वो बात भी कह दी, अब समाजवादी पार्टी पर बात कर लें, दो तीन छवियां इनके ऊपर बनाई गई, मुस्लिम परस्त होना, यादव परस्त होना, परिवारवादी होना, इन तीनों छवियों को तो अखिलेश यादव ने तोड़ने की कोशिश की। अब अगर इसके बावजूद वो भरोसा नहीं जीत पाए तो देखिए पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर मैं फिर से कह रहा हूं, वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते थे, वो हराने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे थे, वो जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आखिरी टिप्पणी मेरी अजीत जी ये है कि हम अब देखिए इसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टियां किस दिशा में अपना विश्लेषण करेंगी, चुनावी विश्लेषक किस दिशा में विश्लेषण करेंगे, ये अलग बात है। मैं जिस एक जगह पर खड़ा हो रहा हूं वो एक वैचारिक जमीन है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों और आंदोलनों की जमीन है। मेरा सवाल ये होगा कि वे सरोकारी मुद्दे, जो शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, संवैधानिक मूल्यों की बात करें, अगर उन पर कोई सोशल कल्चरल मूवमेंट खड़ा होगा ना, वही बीजेपी और आरएसएस के सामने चुनौती बनेगा। ये सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व से आप अंततः वो लाभार्थी समूह में तब्दील हो जा रहा है। हमने अपने नागरिकों को इतना कमजोर कर दिया है कि वो 5 किलो अनाज और 500 रुपए पर वोट दे रहे हैं। अगर ये परिणाम आ रहे हैं तो मैं तो साफ कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर इतना कमजोर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी हो गई कि 500 रुपए की अहमियत बहुत बड़ी हो गई है, 5 किलो अनाज की अहमियत बहुत बड़ी हो गई है। इसका मतलब कि अगर इस पूरे सिनेरियो को, क्योंकि 22 में आप जीत रहे हैं, 24 में फिर मजबूत होंगे, 24 में तो बहुत मुश्किल नहीं होगा इन्हें चुनाव जीतना, इसका मतलब 29 और 32 तक ये पूरा मामला जाएगा। इसको पॉलिटिकली चैलेंज अगर करना है तो सोशल कल्चरल एजुकेशनल रिफॉर्म की जरूरत होगी। इसमें फिर ये जैसे आखिरी अगर समाजवादी पार्टी अब भी अपनी छवि नहीं बदल पाई, भरोसा नहीं जीत पाई, तो अब उसके पास टूल ही नहीं बचे। वो ओबीसी जातियों को जोड़ लिए थे, वो नेताओं को जोड़ लिए थे, मुसलमानों को कम टिकट दिया, यादवों को कम टिकट दिया, सारे उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, पुरानी पेंशन, बिजली, किसानी, नौकरी, अब बचा क्या? अब तो आपके पास कुछ कहने को नहीं होगा कि आप अगली बार जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे। इसलिए अब जब सब खत्म हो रहा है, बीजेपी के सामने अल्टरनेट क्या होगा? हमें लगता है कि शाम को आपके विश्लेषण पर फिर मिलेंगे हम लोग, जब चुनाव परिणाम काफी क्लियर हो चुके होंगे, तो इस दिशा में भी विचार करेंगे कि अंततः ये सोशल कल्चरल चेंजेस किस जगह में खड़ा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, कुछ जातिगत आधार पर कुछ बातें विश्लेषण प्रदीप जी ने की थी, उसका भी जवाब और जो संदर्भ मैंने दिए। जी पहले तो प्रदीप जी वाली बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि यह बात ठीक है कि मंडल के दौर में एक ऐसा मौका था जब ओबीसी और दलित जातियां जुड़ करके एक राजनीतिक एका बना रही थी और उसका असर दिखता है। वो उसके बाद के 3 दशक में आप देखेंगे जहां जहां मंडल आंदोलन का प्रभाव रहा वहां वहां वो राजनीतिक सत्ता तक रहे। धीरे धीरे ये स्वाभाविक है, यहां आपसे सहमत हूं प्रदीप जी की जब एक चरण आता है कि राजनीतिक हिस्सेदारी में एक बड़ी एका जब आप बनाते हैं तो बड़ी पहचान के साथ जुड़ करके लोग आपको राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाते हैं, फिर वह राजनीतिक सत्ता फिल्टर होकर नीचे जाती है, ये स्वाभाविक ट्रिकल डाउन थ्योरी है। वह नीचे जो उसके बाद जिनकी आबादी कम है उन जातियों में, चाहे वो अति पिछड़ी जातियां हो, चाहे वो जो गैर जाटो जातियां हैं,
उनमें भी एक राजनीतिक चेतना आई, उनके राजनीतिक दल बनते हैं, और वो राजनीतिक दल जब अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो बियॉन्ड द आइडियोलॉजी वो उन पार्टियों की तरफ जाते हैं जहां से उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है। मसलन वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं, वो वहां पर उनको वोट देते हैं। बीजेपी के जीतने में बड़ी भूमिका इन गैर यादव ओबीसी जातियों और गैर जाटों दलित जातियों के प्रति। 2017 का चुनाव देखिए ना, उस समय का पूरा विमर्श यही खड़ा किया गया था कि आपका सारा हक ओबीसी में यादवों ने ले लिया, जाटवों ने सारा हक ले लिया। तो इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक स्वाभाविक रुझान है जो उधर जाता है। मेरा विश्लेषण इस बात का है कि क्या वो स्वाभाविक रुझान जो 2017 में उनके भीतर पैदा हुआ, वो जहां उन्हें ले गया, उसके बाद उन्हें हासिल क्या हुआ यह भी नहीं देखा। जाति के नाम पर हिस्सेदारी की बात की गई तो क्या वो हिस्सेदारी ने मिली? यहां मैं आप फिर से आता हूं लाभार्थी समूह के क्रिएट किए जाने पर। वहां उन्होंने ये समझ में आ गया कि भाई हिस्सेदारी ने वहां मिली न यहां मिली, लेकिन अंततः जहां कुछ मिला वहां वो फिर से वोट दे रहे। मेरा विश्लेषण तो ये कह रहा, दोनों जगहों पर उन्हें जो नहीं मिला था वो अंततः नहीं मिला, जो एडिशनल मिला है वो दो चीजें। फिर से मैं कायम हूँ, सुनील जी चले गए, मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ। पहली बार वो लाभार्थी चेतना मिली है कि जो थोड़ा बहुत कुछ मिला उन्होंने, चाहे अजीत जी कह रहे हैं कि महिलाओं के भीतर एक चेतना पैदा की, उन बेहद कमजोर कर दिए गए लोगों के भीतर एक चेतना पैदा की कि हमें ये मिला। दूसरी बात, एक सॉफ्ट चीज मिली है जो अभी बेशक आपको न दिखे, आप बेशक उसे नकारें कि सांप्रदायिक जमीन पर नहीं हुआ, लेकिन वह जैसे बहुत अंदर एक चीज बैठी हुई है कि चलो राष्ट्र एक बड़ी चीज है, धर्म एक बड़ी चीज है, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी धर्म से उस तरह वो अलग नहीं है। तो ये दोनों बात पर मैं अभी भी कायम हूं। अब सॉरी बोलो, कंप्लीट करिए। हाँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अब यहां पर खड़े होकर के जब हम विश्लेषण करेंगे तो ये दोनों बातें हैं, केंद्र से लेकर के राज्य में जो एंटी मुस्लिम सिंड्रोम बनाया गया, क्या वो बिल्कुल काम नहीं करेगा? वो करेगा, वो हिडन होगा, वो बेशक दिखेगा नहीं। और आपके ही चैनल पर अजीत जी पहले भी कुर्बान साहब ने ये बात कही है कि जब बहुत 100 mg की दवा देने से काम चल रहा है तो 500 mg वाली क्यों देंगे? तो अब तो उसकी जरूरत भी नहीं है ये कहने की कि देखो मुसलमानों को ठिकाने लगाएंगे, वो तो ऑलरेडी हो रहा है, उसको वो अंडर करंट के तौर पर काम करेगा। लेकिन हाँ, इस बार हावी जो रहा है वो यही हावी रहा है। इसलिए मैं दो बात कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपना विश्लेषण करेंगी अगर उन्हें अपना भविष्य बचाना है तो, कि आप चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी देख लीजिए, यह बात बिल्कुल ठीक है कि जमीन पर एक उत्पादन संबंधों का जो रिश्ता है ना, वह तो बना हुआ है कि ओबीसी में कौन ज्यादा हावी है, दलितों में कौन हावी है, किसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, सब कुछ है। लेकिन जब यह बात काम करेगी कि बसपा का वोट बैंक किधर गया, तो बसपा अगर इतना कमजोर हुई तो उसका बड़ा वोट प्रतिशत तो बीजेपी की तरफ गया। अब एक और सवाल मेरा है अजीत जी, आगे की चर्चा में शायद ये और आए कि जब ये पॉलिटिकल पार्टियां जैसे राजभर की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, महान दल है, या स्वामी प्रसाद मौर्य है, या तमाम जातियां, जब ये बीजेपी की तरफ जाती हैं तब तो अपनी जाति का वोट भी शिफ्ट कराती है, जब ये बीजेपी से हटती हैं तब वो लोग शिफ्ट नहीं करा पाए। बड़ा सवाल है, वही मैं बता रहा था। आते हैं आप ही के पास। तो मेरा आकलन ये है कि जब ये शिफ्ट हुए तब तो, अब जैसे दो तीन चीजें हैं, आप भाई सारा मुद्दा भूल गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो अंततः वो जो लाभार्थी चेतना थी शायद वो काम कर रही है, शायद जो छवि बनाई गई थी वो काम कर रही है कि भाई अब जैसे दलित है वो यादवों से भी शोषित हो रहा है। अगर उसी विमर्श की भाषा में बात करें जो बीजेपी कहती है, तो भाई सवर्णों से ही हमें अत्याचार सहने में क्या बुराई है, ये वाली बात भी तो काम कर रही होगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये चेतना बहुत दिन तक काम नहीं करेगी। बहुत दिन तक आप लोगों को इतना कमजोर और गरीब रख करके केवल लाभार्थी चेतना पर एक चुनाव और जीत लेंगे। आप 22 भी जीत रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 24 भी जीत सकते हैं, लेकिन अंततः अगर आप ये कहेंगे कि वो जातीय चेतना खत्म हो गई, सामाजिक न्याय की राजनीति खत्म हो गई, तो मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। हो सकता है ये पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति कमजोर हुई हो सकता है इनके बीच से नए मूवमेंट पैदा हो सकता है इनके बीच से नई लीडरशिप पैदा हो सकता है कि वो फिर से नए सिरे से गोल बंद करे और फिर एक अल्टरनेट पैदा करे जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों की भूमिका मैं ज्यादा देखूंगा। यही सवाल लक्ष्मण जी से, लेकिन साथ में ये कि जब अगस्त से मैं गांव-गांव जाना शुरू किया था, अगस्त सितंबर की ये स्थिति थी,
शायद उसी समय दिवाली तक मेरा वही स्टैंड था। मैं बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग जो पूछते थे, तब मैं यही कहता था कि बीजेपी को 250 प्लस मैं मानता हूं, और मेरे घर पे, बाहर सब जगह मैं यही बोलता था, क्योंकि अखिलेश यादव मैदान में नहीं उतरे थे, अक्टूबर में उतरे, कोई ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखती थी कि बीजेपी 250 से नीचे जाएगी, प्लस में जहां भी जाए, हर समय मेरा यही स्टैंड था। और मेरे वीडियो में ये लगातार रिफ्लेक्ट होता था, जो चाहे अंधभक्ति कहें, चाहे राष्ट्रवाद कहें, चाहे ये कि महंगाई से क्या फर्क पड़ता है, चाहे कोई कश्यप सब्जी बेचने वाला बोले मरते भी मोदी जीते भी मोदी, ये सारे मेरे वीडियो में। तो मुझे कई बार लोग ऐसे फोन भी करते थे जो बीजेपी विरोधी भी फोन करते थे कि आपके वीडियो से तो साफ लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं ट्रोल भी होता था क्योंकि वो एकदम पक्के वाले समर्थक थे। मैं, मेरा यही था कि जो दिख रहा है वो दिखना चाहिए। लेकिन उसके बाद अखिलेश के आने के बाद ये जरूर लगा कि कुछ एक कहे कि फाइट जैसी स्थिति है, लेकिन जो जमीन पे दिखी अब यहां नतीजा, वही सवाल लक्ष्मण जी, एक मुद्दा अगर हम कहें, एक फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर तो होते हैं, एक फैक्टर जिसने बीजेपी को 300 के पास पहुंचाया या 270-265 के करीब पहुंचाया। देखिए, अगर एक मुद्दे की बात कही जाए तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर चुनावी भाषा में राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो वो तो यही उभर के सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस तरह का विपक्ष होना चाहिए था 5 साल, वो नहीं देखा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आखिरी के 6 महीने में जो आपने अभी ठीक अभी जो बात कही कि विपक्ष में एक प्रतिरोध बन करके अखिलेश यादव उभरे, ठीक बात है कि इसका एक विश्लेषण सपा ये कर सकती है कि भाई उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, तमाम चीजें थी, राजनीतिक गुड़ागड़ित होता है, लेकिन फिर भी आपको उस समय 4.5 साल में संगठन मजबूत करना था जो नहीं कर पाए। आखिरी वक्त पर जो ये फेर बदल हुआ, यह तो साफ दिख रहा है कि नेता बदले लेकिन वोट लेकर के नहीं जा पाए, तो ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी ये कामयाब हो गई समझाने में। बाकी फिर मैं अंत में वही दोनों बातें पुनरावृत्ति होंगी, लेकिन जोड़ना चाहूंगा कि यह जो लाभार्थी समूह बना, ये बियॉन्ड द कास्ट नीचे काम किया है, और इसने लोगों के भीतर यह बात समझा दी है कि हमें चूंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था, न यहाँ न वहां, तो हमने उनको वोट दिया है। और अभी जो पूर्व के वक्ता कह रहे थे ना, वो भरोसा, एक भरोसा तो वो इसी से जीता गया है कि डबल इंजन की सरकार है तो कुछ तो मिलेगा। और दूसरी वजह मैं फिर से कहूंगा कि वो इनबिल्ट हिंदुत्व का जो एक इंजेक्शन था वो भी काम किया। ये दोनों चीजें मिल करके बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत ले आ रही हैं। हम सब जो लहर नहीं देख पाए थे, बीजेपी के लोग भी जो लहर नहीं देख पा रहे थे, और खासकर मैं पिछले 4-5 महीने के ही संदर्भ में ये बात बोल रहा हूं, उसके पहले बेशक आप भी कह रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर के पहले तक तो कोई लड़ता हुआ ही नहीं दिख रहा था, तो ये बात तो वहां तक सही है। लेकिन आखिरी में जो 4 महीने हुआ, ये कुछ कुछ बिहार जैसा कुछ मामला बन रहा है। बिहार में भी मंडल की राजनीति में ये जो सेत लगी है, वही उत्तर प्रदेश में भी लग गई, और बीजेपी यहाँ कामयाब होती दिख रही है। ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ करके एक बहुत बड़ा शिफ्ट उधर ले जा रही हैं, और निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के लिए एक नया सियासी माहौल बन गया है, जिसका विश्लेषण सबको करना होगा, पॉलिटिकल पार्टियों को भी और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को।